नमस्कार। आज है सितंबर की 7 तारीख, जो भंडारकर संस्था के लिए एक बड़ा महत्व रखती है। 1945 में इसी दिन 7 सितंबर को महात्मा गांधी जी ने संस्था में भेंट की थी। अब आप ये कहेंगे कि इस साल 2021 में उसके 76 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर ये जानकारी आपने पिछले साल जब 75 साल उस भेंट के पूरे हुए तब क्यों नहीं दी? तो उसका उत्तर यह है कि पिछले साल हम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं थे, तो इसीलिए ये नहीं दे पाए। लेकिन ज़्यादा रुकने से यह बेहतर समझा कि इसको अभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, तो इसीलिए ये कह रहा हूँ। महात्मा गांधी और सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इतने इनके संबंध बहुत मधुर रहे हैं। भंडारकर जी और गांधी जी के की आयु में लगभग 33 साल का अंतर था। भंडारकर जी का जन्म 1837 में हुआ, जबकि गांधी जी का 1869 में हुआ। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब प्रथम बार भारत आए और पुणे आए थे, तब वे लोकमान्य तिलक से जाकर मिले और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ एक जनसभा करनी है ताकि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के लोगों के, उनकी जो समस्या है वो मैं लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो तिलक जी ने उनसे कहा कि यहाँ पर दो दल है, एक तो गरम दल है और दूसरा नरम दल है। और तिलक जी गरम दल के थे, जिनकी संस्था का नाम था सार्वजनिक सभा, और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे और उनकी संस्था का नाम था डेक्कन सभा। तो लोकमान्य तिलक ने उनसे कहा कि आप गोखले से भी मिलिएगा, लेकिन अगर आप जनसभा करते हैं तो उसका अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो इस गरम और नरम दोनों पक्षों को मान्य हो। और फिर उन्होंने सुझाया कि आप भंडारकर जी को उस सभा का अध्यक्ष बनाइए। तिलक जी के सुझाव पर, और जो सुझाव गोखले जी ने भी वो मान्य किया था, तो उस पर भंडारकर जी उस सभा के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी की जो पहली सभा पुणे में हुई, उसके अध्यक्ष सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। ये बड़ा सभा बड़ी अच्छी हुई और अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, खासकर भारतीयों के और गौरेतर अन्य लोगों के जो भी उनकी समस्याएं थी, उसका बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को हो गया, जागृति पैदा हो गई। उसके बाद भी एक जाने माने विद्वान, अनुसंधानकर्ता, लेखक, समाज सुधारक, इस नाते गांधी जी भंडारकर जी को बहुत सराहते थे। जब भंडारकर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट ने महाभारत की संशोधित आवृत्ति, चिकित्सित आवृत्ति, क्रिटिकल एडिशन का प्रोजेक्ट हाथ में लिया और उसकी प्रेरणा थे औंध प्रिंसली स्टेट के चीफ, औंध संस्थानाधिपति श्रीमंत बाला साहब पंत प्रतिनिधि, जो भंडारकर संस्था की नियामक परिषद के अध्यक्ष थे। और वह बहुत ही अलग तरीके के राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा को स्थानीय निकायों का
लोकतंत्र बहाल किया था 1939 में। 21 जनवरी 1939 को उन्होंने अपनी जनता को स्थानीय लोकतंत्र, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहाल किया था, और उसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन लिया था महात्मा गांधी जी से। वो मार्गदर्शन लेने के लिए पंत प्रतिनिधि सेवाग्राम आश्रम गए थे, और उसका एक चित्र उपलब्ध है जो आप अभी देख रहे हैं। तो जो संविधान पंत प्रतिनिधि जी ने बनाया था उस पर गांधी जी की मान्यता की मुहर लगवाकर उन्होंने उन्होंने उसको अमल में लाया। तो यह भी था एक संबंध जो महात्मा गांधी जी का और हमारे नियामक परिषद के अध्यक्ष का संबंध रहा है। महाभारत के महाप्रकल्प से गांधी जी भली भांति परिचित थे, और ऐसा हम मान सकते हैं कि उनको उसकी जानकारी दी भी जाती थी समय समय पर। तो गांधी जी का एक पत्र उपलब्ध है कि जो उन्होंने पांचगणी से लिखा है, जो अभी आप देख रहे हैं, उस पर कोई तारीख नहीं है, लेकिन गांधी जी के चरित्र से हमें पता चलता है कि वो 1944 की जुलाई और अगस्त महीनों में पांचगणी में थे। और उस पत्र में भी लिखा है कि भंडारकर संस्था के तत्कालीन जो मानद कार्यवाह थे डॉक्टर राणा दांडेकर, तो दांडेकर जी का जुलाई की 6वीं तारीख का पत्र गांधी जी को मिला है, ऐसा उस पत्र में कहा है। और गांधी जी लिखते हैं, भाई दांडेकर, आपका पत्र 6 जुलाई का मिला है, उत्तर देने में विलंब हुआ है, क्षमा कीजिए। देखिए, मेरे पास विद्वत्ता नहीं है, एक ग्रामीण के जैसे यही कह सकता हूं, कितना उद्यम, कितना धीरज, कितनी विद्वत्ता। आपकी संस्था ने स्वर्गत भंडारकर जी के शुभ नाम को उज्ज्वलित किया है, आपका यह उद्यम सफल होगा और हमारे प्राचीन साहित्य की बड़ी सेवा होगी। आपका मो क गांधी। और संस्था का जो रिपोर्ट उसके बाद में पब्लिश हुआ है हमारे रिसर्च जर्नल एनल्स में, तो उसमें यह कहा गया है कि तब महाभारत की चिकित्सित आवृत्ति का भीष्म पर्व का काम चल रहा था, और इस काम में गांधी जी को बड़ी दिलचस्पी थी, खासकर इसलिए कि भीष्म पर्व में ही 23वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक भगवद गीता आती है, तो उसमें गांधी जी की रुचि थी और उनको उस काम की प्रगति के बारे में बताया जाता था। तो वो काम देखने के लिए और कुल मिलाकर के संस्था देखने के लिए गांधी जी 7 सितंबर 1945 को भंडारकर संस्था पधारे, और उनके साथ में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, फिर सुशीला नैयर, गांधी जी के बेटे मणिलाल गांधी, और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के बड़े कार्यकर्ता। और अभी आपको अगर बताया जाए तो प्रसिद्ध अभिनेता श्रीराम लागू के पिता डॉक्टर बालकृष्ण चिंतामण लागू, बाचिम लागू, तो इन लोगों ने विजिटर बुक लिखा है। और गांधी जी ने देखिए उसमें लिखा है पता पूना बस, और अपना उद्यम लिखा है खेडूत। ये खेडूत गुजराती शब्द है, उसका अर्थ है फार्मर, कृषक, किसान। वल्लभ भाई पटेल ने भी वही लिखा है। फिर आप ये देखेंगे कि मणिलाल गांधी
जो दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी का कार्य आगे चलाते थे, तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया है मंत्री, मतलब सेक्रेटरी, मंत्री इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम था, तो मंत्री इंडियन ओपिनियन फिनिक्स नाटाल, साउथ अफ्रीका। और फिर बाचिम लागू ने लिखा है अपना प्रोफेशन डॉक्टर और अपना लक्ष्मी रोड का जो पता है वो दिया है। तो ये एक बड़ा ही बहुमूल्य ऐसा एक पन्ना है हमारे विजिटर बुक का। और तब उस भेंट में गांधी जी ने महाभारत प्रकल्प की बहुत सराहना की थी, उसको बारीकी से देखा था और वे बड़े प्रसन्न हुए थे, ऐसा उस बारे में जो रिपोर्ट बाद में लिखा गया है उसमें कहा गया है। भीष्म पर्व का ये जो काम है 1947 में पूर्णता को गया, 1947 के आखिर में। उसके पहले 15 जुलाई 1947 को भीष्म पर्व के संपादक तथा चिकित्सित आवृत्ति के प्रधान संपादक और भंडारकर संस्था के संस्थापक डॉक्टर श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर को गांधी जी का एक पत्र मिला जो नई दिल्ली से लिखा गया था। और वे कहते हैं, भाई बेलवलकर जी, आपका खत मिला है। तो जो मैंने कहा कि उनको काम के बारे में जानकारी दी जाती थी, आपका खत मिला है। मुझे विश्वास है कि ऋषि पंचमी के रोज शांति पर्व के बारे में आप जो आरंभ करने वाले हैं उसमें सफलता मिलेगी। ऋषि पंचमी सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की पुण्यतिथि होती है और उस दिन संस्था के कई नए प्रकल्प शुरू किए जाते हैं या पुराने प्रकल्पों की जानकारी लोगों को दी जाती है। तो शांति पर्व के बारे में आप जो प्रारंभ करने वाले हैं उसमें सफलता मिलेगी। गांधी जी आगे कहते हैं, मेरी यह भी मान्यता है कि आपके साहस में पर्याप्त आर्थिकी सहायता भी मिलनी चाहिए। भीष्म पर्व तैयार होने पर मुझे एक प्रति आप भेजेंगे, उस लिए मैं आभार मानता हूं, आपका मोक गांधी। ये काम तो पूर्ण हुआ, दुर्भाग्यवश गांधी जी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को। और तब भीष्म पर्व के इस वॉल्यूम का मुद्रण का काम चल रहा था जो फरवरी 1948 में पूरा हुआ। तो बेलवलकर जी ने अपनी प्रस्तावना को एक ताजा कलम पोस्टस्क्रिप्ट जोड़ा और उसने उसमें यह कहा कि अगर आज गांधी जी होते तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन काश हम ये उनको तो समर्पित नहीं कर सकते। और ये जो पत्र मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उस पत्र की भी फैक्सिमिले कॉपी प्रति उस भीष्म पर्व के खंड में प्रकाशित की गई है। तो सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और भंडारकर संस्था के साथ गांधी जी का ये नाता था और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है आज उसका स्मरण कराने की जरूरत, या उसका मौका यह है कि गांधी जी ने हमारी संस्था को जो भेंट दी थी वो 7 सितंबर 1945 की थी और आज है 7 सितंबर 2021। धन्यवाद।